तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, वो रोजी रोटी कैसे कमाता है। तुम पागलों की तरह डांस करती हो, मैं अमीर फैमिली में पैदा नहीं हुआ, मैंने सब कुछ खुद कमाया है। वो तुरंत रो देता है। वो एक बहुत ही पावरफुल और महत्वपूर्ण शख्स है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक नहीं देखा तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है ब्रेड एंड बटर। वैसे तो आप सबों को पता ही होगा ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है मक्खन और रोटी, लेकिन क्या आपको पता है ब्रेड एंड बटर का एक और काफी इंटरेस्टिंग मीनिंग है। ब्रेड एंड बटर का एक और मतलब होता है रोजी रोटी। जी हाँ, रोजी रोटी, सोर्स ऑफ इनकम। जैसे अगर आप टीचर हैं और आपका सोर्स ऑफ इनकम टीचिंग है, मतलब आप पढ़ाकर पैसा कमा रहे, तो आप बोल सकते हैं टीचिंग इज माई ब्रेड एंड बटर, यानी टीचिंग मेरी रोजी रोटी है, मैं पढ़ाकर पैसे कमाता हूँ। एक्टिंग इज माई ब्रेड एंड बटर, एक्टिंग मेरी रोजी रोटी है, मैं एक्टिंग से पैसे कमाता हूँ। द मोबाइल शॉप इज माई ब्रेड एंड बटर, यानी मोबाइल की दुकान मेरी रोजी रोटी है, मैं मोबाइल की दुकान से पैसे कमाता हूँ। How does he earn his bread and butter? वो अपनी रोजी रोटी कैसे कमाता है, वो पैसे कैसे कमाता है, उसका सोर्स ऑफ इनकम कैसे आता है। How do you earn your bread and butter? तुम अपनी रोजी रोटी कैसे कमाते हो? अगर आप चाहो कि आप कैसे रोजी रोटी कमाते हो, अगर आप चाहो तो ये आप कमेंट्स में बता सकते हो। तो ये था आज का हमारा पहला idiom, ब्रेड एंड बटर, यानी रोजी रोटी। तो चलिए देखते हैं हमारा दूसरा idiom, जो कि और भी काफी इंटरेस्टिंग है। दूसरा है बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन द माउथ, चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होना। अब कोई चांदी का चम्मच मुंह में लेकर तो पैदा हो नहीं सकता। तो बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन द माउथ का मतलब होता है बहुत धनी, बहुत मालदार, बहुत अमीर, बहुत पैसे वाले घर में पैदा होना। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो बहुत पैसे वाला है, जो बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, तो आप उसे बोल सकते हैं ही वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, यानी वो बहुत पैसे वाले घर में पैदा हुआ, उसकी फैमिली बहुत पैसे वाली है। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन माई माउथ, आई हैव अर्न एवरीथिंग माई सेल्फ। मैं अमीर घर में पैदा नहीं हुआ, मैंने सब कुछ खुद कमाया है। यू वर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन योर माउथ, दैट्स व्हाई यू डोंट हैव टेंशन। तुम बहुत अमीर फैमिली में पैदा हुए, इसलिए तुम्हें टेंशन नहीं है। He was not born with a silver spoon in his mouth. वो अमीर घर में पैदा नहीं हुआ। तो आप अमीर घर में पैदा हुए हो या नहीं, आप अपने मुंह में सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुए हो या नहीं, ये कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो ये था आज का हमारा दूसरा idiom। तो चलिए देखते हैं हमारा तीसरा idiom, जो कि और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हमारा तीसरा idiom है अ बिग फिश। अ बिग फिश का मतलब होता है एन इम्पॉर्टेंट पर्सन और पावरफुल पर्सन, यानी एक महत्वपूर्ण इंसान, एक पावरफुल इंसान। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कोई कंपनी है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन, या कोई पॉलिटिकल पार्टी, या कहीं भी जो एक महत्वपूर्ण इंसान होता है, जो एक पावरफुल इंसान होता है, जिसका उस जगह थॉस हो, अथॉरिटी हो, ऐसे इंसान को बोला जाता है अ बिग फिश। He is a big fish among them. वो उन लोगों में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पावरफुल शख्स है। राहुल गांधी इज अ बिग फिश इन द कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में एक महत्वपूर्ण, एक पावरफुल शख्स है। He is a big fish in the company. वो कंपनी का एक महत्वपूर्ण, एक पावरफुल शख्स है, यानी कंपनी में उसकी अच्छी खासी चलती है। तो ये है हमारा तीसरा idiom, a big fish, यानी an important और powerful person. तो चलिए देखते हैं हमारा चौथा idiom, जो कि और भी काफ़ी ज़्यादा interesting है। हमारा चौथा idiom है कट अरब। एक कट अरब का तो मतलब होता है कारपेट को काटना, फाड़ना। बट कट अरब का एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग मतलब होता है, कट अरब का एक और मीनिंग होता है पूरे जोश के साथ, पूरे एनर्जी के साथ डांस करना। जैसे आपने अपने घर में पार्टी रखी और कोई पूरे एनर्जी के साथ, एकदम मस्ती में, पूरे अपने जोश और खरोश के साथ डांस कर रहा हो, तो आप उसे बोल सकते हैं ही इज कटिंग अरब, यानी वो पूरे जोश के साथ, पूरे एनर्जी के साथ डांस कर रहा है। शी कट्स अरब, वो पूरे एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ डांस करती है। और कोई जब पागलों की जैसा डांस करता हो तो तब भी इसका यूज किया जाता है। अगर कोई पागलों के जैसा डांस कर रहा हो तो तब भी आप बोल सकते हैं यू आर कटिंग अरब, यानी तुम पागलों के जैसा डांस कर रहे हो। तो कैसा लगा आपको आज का ये चौथा idiom, है ना काफी इंटरेस्टिंग। तो चलिए देखते हैं हमारा पांचवा और आखिरी idiom।
तो हमारा पांचवा और आखिरी idiom है at the drop of a hat। इसे तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे जब हम सर पर टोपी पहनते हैं और वो ड्रॉप यानी गिर जाता है, तो वो जमीन पर कितनी जल्दी गिरता है, एक सेकंड भी नहीं लगता। तो वैसे ही एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट का मतलब होता है बहुत जल्द, तुरंत, इमिडिएटली। शी लूजेस हर टेम्पर एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, वो बहुत जल्द गुस्सा हो जाती है। कॉल हिम, ही विल कम एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, उसे कॉल करो वो तुरंत आ जाएगा। यू क्राई एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, तुम बहुत जल्द रो देते हो, तुम तुरंत रो देते हो। तो उम्मीद है गाइज आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको मेरे आने वाले सभी नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपना इंग्लिश इम्प्रूव करते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही।